Hello everyone, so today we are going to start a new topic that is tongue, which is very important. इससे एल ए क्यू भी आ सकता है, एस ए क्यू भी आ सकता है, तो थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ना. इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ टंग, पेपिली ऑफ द टंग, मसल्स ऑफ टंग, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और इसका क्लिनिकल. तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि जी टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि सिचुएटेड होता है फ्लोर ऑफ माउथ में. ओके, और इसके फंक्शंस होते हैं टेस्ट के लिए, स्पीच के लिए, प्लस हम किसी भी चीज़ को च्यू करते हैं तब ये यूज़ में आते हैं, और क्लिनसिंग ऑफ माउथ पे. ठीक है, वन बाय वन हम इसको डीप में देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोट्स, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए. देखो, जैसे मैंने बताया था, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है इन द फ्लोर ऑफ माउथ. फंक्शंस इसके होते हैं टेस्ट के, स्पीच का, टेस्ट का क्यों होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्पीच का हो गया, किसी चीज़ को च्यू करने में भी हेल्प होता है. ठीक है, प्लस डिक्लिटिनेशन हो गया, क्लिनसिंग ऑफ माउथ हो गया. ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ टंग, इसमें हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक तो इसका रूट होता है, एक टिप होता है, और एक इसका बॉडी होगा. रूट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हाँ रूट ही नहीं होगा तो कभी भी हम कोई चीज़ खाएंगे, ठीक है, तो हम टंग को भी साथ साथ स्वॉलो कर लेंगे. तो ठीक है, रूट होना बहुत ज़रूरी है. तो इसके अटैचमेंट्स हम देखेंगे. ऊपर की तरफ ही अटैच्ड होता है बाय स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड सॉफ्ट पैलेट. ऊपर की तरफ, अबव, ये इन दोनों से अटैच्ड होगा. बिलो ये अटैच होता है मैंडिबल बोन से और हायोइड बोन से. और देखो क्या होता है ना, ये जो टंग है वो मैंडिबल और हायोइड बोन के बीच में दो मसल से रिलेटेड होता है. दैट इज़, एक तो हो गया आपका जीनियो हायोइड मसल, एक माइलो हायोइड मसल. ठीक है, इन बिटवीन मैंडिबल एंड हायोइड बोन इट इज़ रिलेटेड टू जीनियो हायोइड मसल एंड माइलो हायोइड मसल. नाउ कमिंग टू टिप, टिप की अगर हम बात करें तो वो फ्री होता है. ओके, और लाइक करता है बिहाइंड द अपर इंसीजर टिथ. अब बॉडी में आते हैं, तो बॉडी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, एक तो डॉर्सम ऑफ द टंग, एक हो गया इन्फीरियर सर्फेस. डॉर्सम ऑफ टंग को हम अपर सर्फेस भी कहते हैं, जो कि कर्व्ड होता है. ठीक है, जहाँ पे पेपिले प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है. एंड इन्फीरियर सर्फेस, जब हम टंग को टर्न कर देंगे, पलट देंगे, तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं इन्फीरियर सर्फेस, ये वाला पार्ट. देखो, वन बाय वन हम देखते हैं डॉर्सम ऑफ टंग को. वो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो होता है आपका ओरल पार्ट, एक फेरेंजियल पार्ट, और एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. तो देखो, इसमें हम देखेंगे ओरल पार्ट में. ओरल पार्ट जो होता है ना, वो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट होता है, जो कि प्लेस्ड होता है ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ. ओके, इसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो फ्री होते हैं और कॉन्टैक्ट में होते हैं किसे, गम्स और टिथ के. ओके, नाउ, और ये होते हैं फ्रंट ऑफ पैलेटोग्लॉसल आर्च. इसमें क्या होता है, 4 से 5 वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं, जिनको हम फॉलिएट पैपिले कहते हैं. देखो यहाँ पे, ये जो है आपका ये वाला पार्ट, दिस इज ओरल पार्ट. नाउ दिस इज द फेरेंजियल पार्ट, और यू कैन से दिस इज लिम्फोइड पार्ट, एंड दिस इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू ओरल पार्ट, ओरल पार्ट में मैंने जैसे बताया था कि ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखता है. इसके जो मार्जिन्स है वो सारे फ्री होते हैं, और किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, गम्स के और टेथ के कॉन्टैक्ट में होते हैं, और पैलेटोग्लॉसल आर्च के फ्रंट में प्रेजेंट होता है. इसमें हम 4 से 5 क्या देखेंगे, वर्टिकल फोल्ड्स देखेंगे, जिसको हम फॉलिएट पैपिले कहते हैं. अब देखो, इसको ना हम दो सरफेस में पढ़ेंगे, एक तो सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस. सुपीरियर सरफेस ये वाला पार्ट हो गया, इन्फीरियर सरफेस जो है वो ये वाला पार्ट होता है. तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं. देखो, सुपीरियर सरफेस में एक मीडियन फरो प्रेजेंट होता है, जो इसमें नहीं दिख रहा है. यूजुअली इसमें बहुत सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो डॉर्सम ऑफ टंग है, जो सुपीरियर सरफेस है, वो रफ हो जाता है. ठीक है, अब रही बात इन्फीरियर सरफेस की. इंपीरियर सरफेस की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है ना, कि एक ये कवर्ड होता है स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से. ठीक है, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, प्लस क्या होता है, एक मीडियन फोल्ड प्रेजेंट होता है. मीडियन फोल्ड होता है, जिसको हम फ्रेन्यूलम लिंग्वे कहते हैं.
ये मीडियन फोल्ड प्रेजेंट है ना, इसको हम फ्रेन्यूलम लिंग्वे कहते हैं। आइदर साइड में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक प्रोमिनेंस डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि ये डीप लिंगुअल वेन की वजह से बनता है। उसके और लैटरली हम देखें तो प्लीका फिम्ब्रिएटा प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, मूव करता है और डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड और मीडियली। ओके, अब हम इसको नोट्स में देखते हैं। देखो ये क्या होता है, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में होता है, प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, मार्जिन्स आर फ्री एंड कॉन्टैक्ट विद गम्स एंड टिथ, फ्रंट ऑफ पैलेटोग्लॉसल आर्च, ईच मार्जिन शोज 4 to 5 वर्टिकल फोल्ड्स विच आर नोन एज फॉलिएट पैपिले। नाउ कमिंग टू अनदर, दैट इज सरफेस हम देखेंगे, एक तो सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस, ऊपर वाला सुपीरियर हो गया, नीचे की तरफ ये इन्फीरियर सरफेस हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये रफ हो जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो कवर्ड विथ स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि शो करता है एक मीडियन फोल्ड जिसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग्वे, ठीक है। आइदर साइड ऑफ फ्रेन्यूलम देयर इज अ प्रोमिनेंस प्रोड्यूस बाय डीप लिंगुअल वेन, डीप लिंगुअल वेन फ्रेन्यूलम लिंग्वे के आइदर साइड में एक प्रोमिनेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोर लैटरली फोल्ड कॉल पीका फिम्ब्रिएटा डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड मीडियली टूवर्ड्स टिप ऑफ टंग, ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज फेरेंजियल पार्ट, जिसको हम लिम्फोइड पार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं, इसके बाद हम इसको नोट्स में देखेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका फेरेंजियल पार्ट, या फिर इसको आप लिम्फोइड पार्ट भी कह लो। ये पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है, और ये होता है आपका दैट इज ओरल पार्ट जो कि एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि एक वी शेप्ड ग्रूव होता है जिसको हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं, ठीक है। इसमें ये देखो, ये दो लिम्ब जो है ना, इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, ये दोनों मीडियन पिट पे मीट करते हैं और बनाते हैं फोरामेन ऑफ सीकम, ठीक है। बनाते नहीं है, एक्चुअली मीट करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है फोरामेन ऑफ सीकम। और ये सल्कस टर्मिनालिस जो है वो रन करता है लैटरली एंड फॉरवर्ड अप टू पैलेटोग्लॉसल आर्च, ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब देखो क्या होता है ना, जो ये लिम्फोइड पार्ट है वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। ये जो है लिम्फोइड पार्ट वो लाई करता है बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। कभी कभी इसके जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको बेस ऑफ टंग भी कहा जाता है, और ये बनाता है इंटीरियर वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिनके पास पैपिले नहीं होते, लेकिन इनके पास लिम्फोइड फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं कलेक्टिवली जो कंस्टिट्यूट करते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, और म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम अब नोट्स में देखते हैं। देखो पोस्टीरियर 1/3 होता है, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट का होता है ये वी शेप ग्रुप द सल्कस टर्मिनालिस जिसको हम कहते हैं, टू लिम्ब ऑफ वी मीट एट मीडियन पिट कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ सीकम लाइज बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड सल्कस टर्मिनालिस, पोस्टीरियर पार्ट सम टाइम कॉल्ड बेस ऑफ टंग फॉर्म्स एंटीरियर वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हैज़ नो पैपिले बट हैज़ मैनी लिम्फोइड फॉलिकल्स जिसको कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट करते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट, इसमें म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, दैट इज पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। इसको भी सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। देखो ये जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये अटैच होता है, कनेक्टेड होता है एपिग्लॉटिस से, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ थ्री फोल्ड। इसमें हम थ्री फोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हो गया मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया, और एक राइट साइड पे है तो राइट वर्ड यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे, और मीडियन हो गया बीच में तो मीडियन हो गया साइड, साइड को हम लेटरल कहते हैं ना, एक राइट साइड हो गया तो राइट लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया, अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग जो है वो कनेक्टेड होता है एपिग्लॉटिस से बाय हेल्प ऑफ थ्री फोल्ड, जिसका नाम मैंने बताया, एक तो मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड हो गया, और एक लैटरल
ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट साइड में है तो राइट वर्ड यूज़ करेंगे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, आइदर साइड ऑफ मीडियन फोल्ड, ठीक है, मीडियन फोल्ड के आइदर साइड पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं वेलिक्यूला, ठीक है, वेलिक्यूला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लैटरली देखें तो लैटरल फोल्ड प्रेजेंट होता है, लैटरल फोल्ड जो है सेपरेट करता है वेलिक्यूला को पायरीफॉर्म फोसा से, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख ली, अब चलो हम इसको डायग्राम सॉरी नोट से समझते हैं। देखो इसमें हमने देखा था कि ये कनेक्टेड टू एपिग्लॉटिस बाय थ्री फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जिसका नाम है मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, लेफ्ट लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। आइदर साइड ऑफ मीडियन फोल्ड देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड वेलिक्यूला, लेटरल फोल्ड सेपरेट्स द वेलिक्यूला फ्रॉम पायरीफॉर्मिस फोसा, ओके। इतना हमने देख लिया, इससे हमारा पार्ट्स ऑफ टंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पैपिले के बारे में पढ़ेंगे, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।